बॉल टेम्परिंग मामले में घिरे स्टीव स्मिथ को अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान का साथ मिल है। ये वही ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान हैं, जो 24 घंटे पहले तक कह रहे थे कि स्मिथ ने उन्हें शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने 24 घंटों के अंदर ही अपने बयान पर टिमाच ली है। बता दें कि बॉल टैम्परिंग जैसे संगीन आरोपों में घिरे स्टीव स्मिथ के खिलाफ बीते दिन पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने मोर्चा खोलते हुए कहा था कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहे तो वे वापसी कर सकते हैं। क्लार्क ने कहा था कि स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को शर्मसार किया है, लेकिन अब माइकल क्लार्क ने पलटी माच ली है। आईसीसी से स्मिथ और बैनक्राफ्ट को सजा मिलने के बाद क्लार्क ने स्मिथ के लिए अपने सख्त लहजे में नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। क्लार्क ने अब देश की जनता से अपील की है कि वे स्टीव स्मिथ को धोखाधड़ी के मामले में माफ कर दें। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्मिथ के गेंद से छेड़खानी करने की योजना से पैदा हुए गुस्से से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और खेलों में देश की बिगड़ी छवि को सुधारने का प्रयास करने चाहिए। क्लार्क ने कहा, मुझे स्टीव स्मिथ के प्रति खेद है, उसने निश्चित तौर पर शत प्रतिशत बहुत बड़ी गलती की और कई अन्य लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यह सही भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसे सजा मिल गई है, ऐसे में हमको उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्लार्क ने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्रिकेट के खेल में ऐसा फिर कभी नहीं हो। वहीं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने भी स्मिथ का बचाव किया है। आशीष नेहरा ने कहा कि बॉल टेम्परिंग मामले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ अपनी गलती मान चुके हैं, ऐसे में उन्हें आईपीएल सीजन 11 में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। बता दें कि बॉल टेम्परिंग के बाद स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी गंवानी पड़ी है, साथ अब उनके आईपीएल खेलने पर भी सवाल उठ रहे हैं।